हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। सो इस वीक मैं कर रही हूँ रिव्यूज़, और लास्ट वीडियो में मैंने रिव्यू किया था एक वेबसाइट को जहाँ से मैंने कुछ टी शर्ट्स ऑर्डर करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उस वेबसाइट पर। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है ये ईबा हलाल का काजल। हलाल वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है तब यही लगता है कि ये किसी ना किसी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। मेरे दिमाग में भी यही था जब तक मैंने इनकी वेबसाइट नहीं देखी थी। वेबसाइट विज़िट करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, जो मैं सोचती थी हलाल वर्ड वहीं तक सीमित नहीं है। लाइफ की और भी चीज़ें हैं जहाँ पर इस वर्ड को अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विज़िट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ईबा हलाल के प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी की बात की जाए तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, यानी कि कई बार कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्ट्स को जानवरों की चर्बी उसमें यूज़ की जाती है लाल रंग देने के लिए। ऐसा मैंने पढ़ा है कि खून, इंसेक्ट्स का खून वहाँ पर यूज़ किया जाता है, एनिमल हेयर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप वीगन हैं तब आप इस तरह की चीज़ों को नहीं यूज़ कर पाएंगे। और इनफैक्ट अगर वीगन नहीं भी है, एज अ नॉर्मल पर्सन भी अगर हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई होती है। तो वी नेवर नो कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। इसीलिए मैंने अपने आई केयर वाली वीडियो में कहा था कि कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कभी भी ये ना देखें कि इस चीज़ का प्राइस बहुत कम है तो चलो यही ले लेते हैं। वी नेवर नो कि उसके अंदर किन चीज़ों से उसे बनाया गया है। इंग्रेडिएंट्स लिखे ज़रूर होते हैं बट ये जो एक पार्ट है वो नहीं वहाँ पर मेंशन किया होता है। लेकिन ईबा हलाल के प्रोडक्ट्स बिल्कुल वीगन हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को आराम से बेफिक्री के साथ यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर कोई भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इन्हें जानवरों पर टेस्ट नहीं किया गया है। और भी डिटेल में जानने के लिए आप वेबसाइट ज़रूर चेक करें। ऑर्डर करने के लिए अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां जाकर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है अमेज़ॉन पर, क्योंकि ये अमेज़ॉन के थ्रू ही आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर वेबसाइट से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। इस वक्त मैंने इस काजल को अप्लाई नहीं किया हुआ है। मैं चाहती थी कि मैं आपको हाथों पर लगाने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली आंखों पर ही लगाकर दिखा दूं कि इनकी वर्किंग कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंसिल बिल्कुल नॉर्मल काजल पेंसिल्स की तरह है, रिवॉल्विंग पेंसिल है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल वन स्वाइप में ही ये बहुत अच्छा डार्क कलर आपकी आईज को दे देगा। आप इसे एज एन आई लाइनर भी लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक काजल लगाना पसंद है, स्पेशली अगर वो स्मज प्रूफ है तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको डार्क कलर दे देगा। एक सवाल करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एक काजल में क्या देखते हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक काजल में सबसे पहले उसका प्राइस देखती हूँ कि प्राइस क्या है। अगर तो वो काजल 100 से नीचे का है तब डेफिनेटली ये होना चाहिए कि वो उसके ज़्यादा बड़े बड़े क्लेम्स ना हो कि ये स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, या ये जितने भी क्लेम्स होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए। क्योंकि 100 से नीचे के जो काजल आते हैं, जैसे लैक्मे हो गया या फिर NYBay हो गया, ब्लू हेवन हो गया, हिमालया, VLCC, ये सारे जो काजल्स हैं जो मोटी वाली स्टिक्स आती है, ये सब 100 से नीचे की रेंज के हैं और ये सब फैलते भी हैं। ये बहुत क्रीमी टेक्सचर के होते हैं और स्मज प्रूफ नहीं होते हैं, वाटर प्रूफ भी नहीं होते, तो दैट्स ओके, ये जस्टिफाइड है। लेकिन जहाँ पर प्राइस आ जाता है 200 रुपये के आसपास, वहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बढ़ जाती हैं कि उस काजल का जो कलर है वो बहुत पिगमेंटेड होना चाहिए, जेट ब्लैक होना चाहिए, स्मज प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, वो फैले ना, आपकी आंखों को और भी अच्छा लुक दे दे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है जो काजल स्मज प्रूफ होते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ करे हुए हैं तो मैं बता सकती हूँ कि वो काजल आपकी आंखों को बहुत ड्राई कर देते हैं। काजल लगा हुआ भी अगर दिखता है तो ऐसा लगता है बहुत ड्राई हो रही हैं आपकी आंखें। मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स काउंट करवाए, और अगर मैं ईबा हलाल को मार्क्स देना चाहूँ तो मैं इसे 5/5 दूंगी, क्योंकि ये स्मज प्रूफ है, जेट ब्लैक है। स्मज हल्का सा होगा जब आपको स्वेटिंग होगी, आपकी आईज वाटरी हैं,
वेट आइज हैं अगर आपकी, तो हल्का सा ही आपके इनर कॉर्नर्स में जाकर जमा हो जाता है। उसके अलावा ये बिल्कुल नहीं फैलता। अगर आप देख सकते हैं, मैंने इतनी मोटी थिक लाइन लगा कर रखी है, ये रात तक एज इट इज़ रहने वाला है। रिमूव करने में भी ईजी है। सो फर्स्ट पॉइंट है, वाटर प्रूफ बिल्कुल है, स्मच प्रूफ बिल्कुल है, डार्क ब्लैक कलर है, मॉइस्चराइजिंग है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मैं इसे पूरे 5 मार्क्स दूंगी और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही ले जाता है क्योंकि ये एक वीगन प्रोडक्ट है और इसकी गारंटी आपको दी जा रही है इनकी वेबसाइट पर। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 200 रुपये का ये काजल है, डेली वेयर में, पार्टी वेयर में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। एज अ काजल लगाइए, एज एन आई लाइनर लगाइए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि प्राइस देखकर लोग जल्दी से चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई भी ब्रांड आपको ओपनली बता रहा है, आपको गारंटी दे रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो आपको ज़रूर उन्हें ट्राई करना चाहिए। इस नॉलेज के लिए ही, इस नॉलेज को आप स्प्रेड कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। फ्यूचर में कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।